नमो नुसौदानम नमो नुसौरिया नमो नुसौजयनम नमो नुसौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमरिस्मर स्वानुभूत्याचकास्ति स्वाय भवाय आज पावर उसमें गांव पावर चलते हैं उसमें सत्तांग गाथा चलती है। अभी तो प्रतिष्ठा था अब नाम लिखे थे भगवान महावीर परमात्मा वो तो पूर्णानंद की प्राप्ति करके मुक्ति हुआ है और उसकी स्थापना निक्षेप है वो भी व्यवहार है वंदनिक है और वो तो पहले कहा था बहुत वर्ष पहले विचार आया था ना वो हमारे संप्रदाय में जरूर थे मूर्ति से कहा था कि वो के संन्यास दर्शन हुए पीछे मूर्ति पूजन चलते हैं। पहले कब होते हैं संन्यास दर्शन पहले ही मूर्ति पूजन होता है संन्यास दर्शन पीछे नहीं ऐसे कहते थे। सुनो अत बहुत वर्ष की बात है 83 की साल सुरताली वर्ष हुआ 50 में चिंतन तो ये चर्चा चली कि भगवान की प्रतिमा का पूजन तो जन लोग मिथ्यादर्शी हो तब न कर सकते हैं सम्यक दृष्टि पीछे उसको पूजा भक्ति आदि अपना की नहीं करें ऐसा चलता तो ऐसा कहा कि जब लग संगत दर्शन न हो तब लग शुद्ध ज्ञान न हो अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है ऐसी अंतर दृष्टि अनुभव हो तब तो उसको भाव शुद्ध ज्ञान होता है। भाव शुद्ध ज्ञान प्राण ज्ञान है और उसका नय है ये अवयव है। शुद्ध ज्ञान का नय निश्चय व्यवहार दो अवयव है। तो जब संगत दृष्टि होते हैं पीछे ये निक्षेप उसको पूजने गिनने में आता है। संगत दर्शन बिना उसको शुद्ध ज्ञान नहीं नई नहीं तो नई का निक्षेप भी उसको होता नहीं समझ में आया। नई जब हम अपने में शुद्ध चैतन्य वस्तु पवित्र धाम को दिखाया ना उसमें वो क्या दास दास आते ना वो 14 गुण स्थान पहले बस हुआ 52 उसको कहते हैं जिन प्रतिमा का माचम रनाक्षदास कहते हैं जाके मुख दर्शकों भगत के नई नई को भगत के सन्यक दर्शी को तो सम्यक दर्शन में अपना स्वरूप पूर्ण आनंद ऐसा अनुभव हुआ तो उसके साथ शुद्ध ज्ञान हुआ। तो भाव शुद्ध ज्ञान में भाव शुद्ध ज्ञान है अवयवी प्रमाण है और निश्चय में व्यवहार नहीं है तो प्रमाण का अवयवी का अवयव है। हाँ तो अंतर की बात आई थी भाई और वो समय पर समझ में आया तो नई इसको संकेत दृष्टि को नहीं होती है
तो नए विषय ही है, नए विषय ही है और निक्षेप विषय है, तो नए ज्ञान का भेद है और निक्षेप विनय का भेद है। समझ में आया? तो खरेखर तो सम्यक दर्शन हुई पीछे ही, जिन्हें नए उड़ता है ना, नए में निक्षेप उसको ही लागू पड़ते हैं। अज्ञानी को मिथ्या दर्श को निक्षेप में नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो त्रासी की बात है। 370 50 में तीन कौन वस्तु ऐसी है, कोई गड़बड़ करे से नहीं चले, यहाँ जैन दर्शन आता है। तो नए में ही जब ध्यान हुआ तो निक्षेप विनय का भेद है, वो तो नए का विषय हो जाता है। समझ में आया? तो संजय दृष्टि को ही आत्मा निक्षेप व्यवहार पूजनी होती है। समझ में आया? कठिन पड़े कि उनको वस्तु ठीकी ऐसी है, चाहे क्या करना था। भगवान आत्मा अपनी चीज में पूर्ण शुद्धता ने आनंद पड़ा है, उसके सन्मुख होकर, उसके सन्मुख होकर और संयोगी चीज और राज और पर्याय उससे विमुख होकर। समझ में आया? जब संगत दर्शन तो आप प्राप्त होने की रीत है। समझ में आया? तो संगत दर्शन में ही संगत ज्ञान सुख होता है, तो क्या ही निक्षेप पूजनी है, मंगलिक है उसका। जाके मुख दर्श सो भगत के नैनी को, स्थिरता की वाणी बढ़े चंचलता विनती। प्रतिमा भी कैसा देखा ना, बहुत उतरा मुद्दे है। हैं? हाँ, हाँ, यही तो नाम निक्षेप है। खुला रखा था ना, खुला मुद्रा दिखी केवड़ी की मुद्रा याद आवे जहाँ, ऐसी मुद्रा देखने से अपने पर्याय में केवड़ी की मुद्रा याद आवे है। वितरा की बिंब ओ सर्वज्ञ परमात्मा केवड़ी का प्रतिबिंब है वो। तो जिसको दिखने में भक्त संकीति को आते हैं तो केवड़ी याद आते हैं। तो हो ऐसी फिर बिंब जिसको विकल्प नहीं, राम राम अनिया कहते हैं न, कहत बनारसी सु महिमा प्रकट जाती, दोहे जिनकी छवि सु विद्यमान जिनसी, साक्षात तीर्थंकर देव की विद्यमान जैसा, ऐसा भगवान की प्रतिमा तीर्थंकर समान विद्यमान है। और तीर्थ भंतकों को प्रतिमा जिन शक्ति आते हैं ना, जाइए ना जिनसी पीछे भी आते हैं। सहस बनारसी अलप भव थी थी जाति, संजय दर्शी की अनुभव स्थिति है। अल्पकाल में केवल ज्ञान पाने की तैयारी उसकी हो गई है। बीज उगया है तो पुण्य होगी उसको, एम संजय दर्शन बीज या प्रकट हुआ, केवल ज्ञान होगा ही। तो कहते हैं सोई जिन कहत बनारसी अल्प भव थी ती जाकी, सो ही जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सारथी। निश्चय आत्मा की प्रतिमा जिन प्रतिमा निश्चय तो अपनी स्वरूप है।
अकषाय हर्ष बिंब वितराग बिंब प्रभु वही वितराग प्रतिमा तो आ है, पर वितराग प्रतिमा की जिसको अनुभव में प्रतीत हुआ उसको शुभ विकल्प में जिन प्रतिमा जिन सार की आया बिना रहे समझ आया ये कह रहे बहुत की सामने हम कहते थे संप्रदाय में रहते भूतन हमने तो संप्रदाय में क्या हमारे से कोई संबंध नहीं था सत्य की कोई पण से जो विपरीत सीधू कहे अने हमारा पर आक्षेप करेगा वो क्षण संप्रदाय छोड़ देगा। संप्रदाय में आए हैं माचिस बंधन में आ गया ऐसा है नहीं हमारे तो परम सच वितराग त्रिलोकनाथ कहते हैं ये अंतर में मान है लेकिन संप्रदाय अनेक प्रकार हो उसको मने मान है नहीं वो कहा देखो ना जाके उर अंतर सुदृष्टि की लहर नसी आरु भाई मैं क्यों सी जाके उर अंतर सुदृष्टि की लहर नसी बिनसी मिथ्यात मोह निंद्रा की ममा रखी ये ने ब्रह्मणा का नाश हुआ है राज मेरा है पर्याय जितना मैं हूँ ऐसा मिथ्यात का तो नाश हुआ है। सहेली जिन शासन की फैली जाके घट भयो जैन शासन की सहेली फैली निश्चय नई व्यवहार नई और का विषय वो जैन शासन की शैली है समझ में आया अने वो समुद्र भद्राचार्य को स्तुति में क्या लगते थे नहीं कहा था ना चौबीस स्तुति समुद्र भद्राचार्य ने चौबीस स्तुति किया है उसने तो ऐसा किया है प्रभु मेरे आपकी भक्ति का वचन हो गया है मेरे क्योंकि बारंबार मेरा विकल्प आपका बहुमान में आता ही है अशुभ राग नहीं शुभ राग में भी तेरी भक्ति का मेरे बारंबार विकल्प आता है मेरे वसन पर ऐसा लिखा है सोई स्तुति में समझ में आया तो सैनी जिन शासन की फैली जाके कट भयो गर्भ को त्यागी सट दर्व को पार की देनियान है आ प्रतिमा आ हा वितराग विद्राग ऐसे लक्ष्य करके विद्राग भाव याद आता है केवल याद आता है समझ में आया सिद्ध का ही भी प्रश्न हुआ था पहले जा रहे हम भी ने तीर की साल में मुंबई कभी यात्रा करने समय से कुछ था तो क्षण को ऐसे प्रश्न किया महाराज आप प्रतिमान आ क्या यात्रा भाई इस यात्रा का अर्थ ऐसा है कि जहाँ से भगवान नियम संतु मुक्त पधा रहे हैं ये क्षेत्र से एक क्षेत्र में ऊपर विराजमान है भगवान आया लहर नसी गर्व को त्यागी सर गर्व को पार की धर्मी तो राज आदि का अहंकार जिसको छूट गया है पुन भाव है पर गर्व छूट गया है कि पुन भाव मेरा है स्वामी तो छूट गया है धनी पता छूट गया है भगवान की भक्ति का भाव पर गर्व छूट गया है समझ में आया वो जिन प्रतिमा को यथा दृष्टि मान सकते हैं परमात्मा जी से मोक्ष लिए हैं ये सिद्ध की बात है ये क्षेत्र से सिद्ध गई एक क्षेत्र में ऊपर विराजते हैं माँ क्षेत्र में जाइए प्रण संतो बहुत बड़ा है क्षेत्र में ये स्थानीय मोक्ष है ऊपर सम श्रेणी जाते हैं सिद्धि श्रेणी सम श्रेणी धर्म राजा भीम ने अर्जुन
दिन का देह छोड़कर वो तो मुक्ति पधारे के अंत की शत्रुंजन ऊपर में ही सारी अनु जाते हैं ऊपर, तो क्या जाकर स्मरण करना वो जात्रा है। यहाँ भी भगवान का स्मरण करना, प्रतिमा को देखकर सर्वज्ञ को स्मरण करना, समझ में आया? आगम के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में, विसराज सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ के निर्धन जिसके कान में पड़ी है। संकेत की बात उनकी हृदय भंडार में समानी वाणी पार की, जैना हृदय में वितरागनी वाणी आरसी समान फैट गई है अंदर में। कहत बनारसी अल्प भव थीती जाकी, सुई प्रमाणे जिन सुई जिन प्रमा प्रतिमा प्रमाणे जिन सारखी। बनारसी दास कहते हैं यहाँ यू राजा जाके आ गए इंद्र की विभूति जिसे तीन सी। जिसका भगवान की मुद्रा देखते हैं वितराग याद आता है केवल ज्ञान, जिसकी मुद्रा देखकर केवली की मुद्रा आज आवे जहाँ जाके आगे इंद्र की विभूति दिशे तीन सी। इंद्र ने विभूति पम देख छिलका समान क्या दिखे, ऐसी भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने वाले का ऐसा भाव होता है। समझ में आया? मुद्रा बहुत अच्छी है, मुद्रा धीरे देख रहा है काम इतनी से पांच फुट सवा पांच फुट सवा पांच फुट सात साल भगवान जाने में रास्ते है। जिन प्रतिमा जिन सार की, धर्मी का प्रेम जो जुड़ते हैं भगवान की प्रतिमा ना दर्शन में जुड़ते हैं वो भाव आते ही है शुभ, वही बात चलते हैं अपना। पर वो शुद्ध की दृष्टि में पाप से बचने को ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते करते हिंदुस्तान तक भी मुनि को भी ऐसी भाव आता है भक्ति का, हमने घरे पूजा न करे वो तो भाव पूजा का भाव तो उसमें भी आता है, उसकी मर्यादा इतनी है। वो वही कहते हैं जाके जस जगत प्रकाश जगे हृदय में, जाको जस जगत एनो जस इतरा केलो ना सर्वज्ञ देव अरविंदी परमात्मा है, ऐसा जस जपत प्रकाश जगे हृदय में, ज्ञान की ज्योत प्रकाश अपने में प्रकट होती है कदा। सूक्ष्म बात भाई जैन दर्शन न समझना, जैन दर्शन की वस्तु का प्रभाव अलौकिक है, ये दिगंबर दर्शन ये जैन दर्शन है। आया ऐसा प्रकार करते हैं कुंकुंडाचार के सोई शुद्ध मती हुई उठी सो मलिन सी, कहते हैं कि वितराग मुद्रा सर्वज्ञ की प्रतिमा ऐसा जैसा सर्वज्ञ था आत्मज्ञान, कहते हैं ना आत्मज्ञान जिसको हुआ आत्मधर्म इसको आत्मा जिसको पूर्ण प्रकट हुआ, ऐसी प्रतिमा की भक्ति का बहुमान आया बिना रहते। समझ में आया? तो यहाँ आत्मधर्म की बात चलती है, ये तो नसीनेता ही कहते हैं न, जहाँ लगी आत्मा तत्व ची यू नहीं, जहाँ लगी साधना सर्व दुखी
भगवान आत्मा क्या चीज है, उसका ज्ञान ने अनुभव बिना जो कोई साधन आदि करते हैं, पूजा भक्ति व्रत आदि, ये सब निरर्थक है। बात पूछो में भगवान, आत्मधर्म की यहाँ तो बात चलती है, आत्मज्ञान की बात चलती है। तो जिसको यहाँ आत्मज्ञान में धर्म का भान हुआ, उसको जिसके प्रतिमा में तुरंत सर्वज्ञ बजाय था, जिसको प्रकट हुई, बीज उगे तो पुण्यम होती ही है। बीज उगे न पुण्यम न उगे ऐसा होता, ऐसे आत्मज्ञान हो अने पीछे सर्वज्ञ पद न हो ऐसा होता ही नहीं। तो केवल ज्ञान पाने की चीज जिसको हुई, इसकी प्रतिमा वंदनिक है। दूसरी चीज सर्वज्ञ अनुसारणी वाणी जो है, जो आप परमाज्ञ में सर्वज्ञ की वाणी चित्र है, वो दूसरी कथन आया है। त्रिलोकनाथ आत्मा जहाँ वितराग ने सर्वज्ञ दिशा अंदर प्रकट करते हैं, आत्मज्ञान उपरांत जो पूर्ण केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उसे मुख में से इच्छा बिना वाणी निकलती है, ये वाणिया है। तो वो उपन सर्वज्ञ अनुसार वारणी वाणी पर प्रतिमा जैन पूज है, सब वो भी पूज है। बात भाई आ तो क्या सी क्या आदि है, कुछ बात है। कहते हैं सोई शुद्ध मती हुई, भगवान की प्रतिमा देखकर शाम 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 अविकारी मुद्रा, निर्दोष आनंद कंद की मुद्रा जहाँ देखे, मटी मां मलिनता हो टाल सके, शुद्ध मती हो जाती है। कहते हैं आया धनालाल जी, सोई जिनकी छवि से विद्यमान जिनकी, अमना के दास महाध्यात्म कवि। अभी मैं कुछ कह तुम भाई ना कवि नहीं, क्या कवि दुल्ला कवि कागना है हमारा पुस्तक आपको अध्यात्म कवि मोटा महा पुस्तक दिए तो बहुत खुश हो गया। अभी आया थे ना दो दिन तक आए थे दुल्ला खास, तो हो आप उस मेरे को दिया तो ये तो माँ परम अध्यात्म कवि है वो, कहा ऐसा है मैं लिखा है कि उसको कौन सा भाई मुको हिंदी मैंने मुको दिल्ली में मुको है अपने यहाँ तो मकान बनाया मंदिर बिरला 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 भूल गई अपने बिरला बिरला भाई आया था ना पुस्तक पहला दिया था माछी ने पहने तो बापू आप अलौकिक चीज अंतर ना करनी है, आज तो बाहर नहीं चीज नहीं तो वो चीज के मैं उसको लिखा कहीं तो ने अध्यात्म रामायण उसमें लिखा है तो वो मैं बिरला को लेकर लिख दिया एक अध्यात्म रामायण आत्मा में गिराती है ऐसा लिखा है उसमें लोग है ना बना चला आत्मा हम ऐसे कहे हम नहीं बोली बोले मैं बना से दस तो हमने आया था तो मतलब कवि से जम्बर घरादार से घरे घरा से का कवि तो यहाँ भी आया था खुश दिया था बहुत खुश था ऐसा भाई प्रभु आ तो आत्मा की बात है यहाँ यहाँ को कोई संप्रदाय की बाहर की चीज है। तो कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा जिन प्रतिमा जब हो तो धर्मी जीव को देखने से उसको अल्लाह ने पुण्य शुभ भाव निर्मल होता। समझ में आया नो हाँ इतनी बात भगवान की प्रतिमा ही नहीं रंग लाइक अरे अपने यहाँ चलते हैं देखो कुंकुंडाचार महाराज दिगंबर संत वनवासी थे वन में रहते थे 2000 वर्ष पहले से आत्मज्ञान में आत्मदर्शन में मस्त थे अंतर आनंद की अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा का मुनि तो उसको कहे अतीन्द्रिय आनंद में जिसकी मस्ती ये मस्ती में आशासन लिख लिया है। कहते हैं कि धर्मी जी पहले जब धर्म प्रकट होता है तो आत्मा अंदर चिदानंद रूप ज्ञान की मूर्ति आत्मा है,
देश है तो भिन्न है, आ तो माटी है। कर्म जो है अंदर पुण्य पाप का बंधन, जो भी भिन्न जड़ की भिन्न है। नारियर होते हैं ना, नारियर नारियर नहीं रिपो, तो रिपो में उपलना छाला है वो भिन्न चीज है, अंदर काचली है भिन्न चीज है, और काचली तरफ की लाल छाल टोकरा पा करते हैं तो निकाल देते हैं ना, तो लाल छाल भिन्न है, और अंदर में टुकड़ा जो सफेद दौड़ा मीठा एक त्रिफल भिन्न है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर तो छाला है ऊपर का, समझ में आया? जैसे वो छाला है ना, छाला कहते हैं ना हिंदी में, क्या कहते हैं छिलका, हमारे छाला कहते हैं, बाजू डले ने बड़े पति एना बढ़िया लोह बाहर का दे छाला कहते हैं तो नानी बनवा सुनाए तो छाला, आ शरीर छाला है, और अंदर कर्म रजकन झीणा पुण्य पाप का पड़ा है, वो काचली है। काचली क्या कहते हैं, ये काचली है, और अंदर में पुण्य ने पाप का विकल्प जो उठते हैं वो लाल रंग की छाल है। भगवान आत्मा उसे भिन्न है अंदर। श्री फौ कहते हैं ना, श्री फौ भाई तेरी चीज है, श्री स्वरूप नी लक्ष्मी रूपी जो अंदर फौ पड़ा है। अरे यानी कभी विचार किया नहीं, अनंत काल हुआ, अनंत काल हुआ, चौरासी में रखड़ते रखड़ते मर गए, वो चैतन्य मूर्ति मेरी चीज अंदर। मैं आनंद मिठू, मिठू कहते हैं मिठाओ, टोकरा को मीठा कहते हैं ना, तो मीठा नाम आनंद यहाँ है, और सफेद माँ शुद्ध है, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद मूर्ति है। ए भाई यानी काने शब्द पीड़ा नहीं है, वो विचार केदी करे केदी जन्म मरण में नाश करे। आई कहते हैं कि ये परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर है जो कहा, ऐसा संतु संतुनाचार्य ग्रहण अनुभव किया, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मेरे में जो पुण्य पाप दिखते हैं वो छिलका है, लाल छाल जन टोकरा की होती है ना, तो बहिरा जारे टोकरा पार करते हैं तो खमरी में से हैं निकाल देते हैं, छाल का छाला तो निकालते हैं, काचले निकालते हैं, पर बोले छाल निकाल देते हैं तो थोड़ा सफेद टोकरा पर होता है। ऐसे भगवान आत्मा आप दृष्टांत दिया, सिद्धांत शरीर छाला माटी धूल है, उसे मैं भिन्न हूँ। अंदर कर्म का रजगण जो आप पुण्य का बन पड़ा हो तो लक्ष्मी आदि मिले, पाप का पड़ा पड़ा हो तो लक्ष्मी आदि चले नाश हो, ऐसा रजगण अंदर है कि काचली समान जड़ है, मैं नहीं। और पुण्य ने पाप का छाल जो लाल छाल है वो प्राची भगवान सूक्ष्म बात इन्हें अनंत का क्या अपनी चीज की पहचान किया ही नहीं, अने पार की पर मांडी बदी घरना छोकरा घंटी साथे पाडो छी ने आ तो है पोतानी चीज क्या है खबर नहीं, दुनिया ने बदी मांडी है तो कहते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ कहते घरना छोकरा घंटी साथ, तुम्हारे कहाँ के छे है, तुम्हारी हिंदी भाषा है, हाँ ये तुम्हारी भाषा है, हमारी साथ हिंदी भाषा है, क्या हिंदी है ब्राह्मण ना दे घर में कई न, एम परमात्मा त्रिलोकनाथ संतों ने मुनियों कहते हैं कि तेरी चीज की चाहे पिछान कभी किया नहीं, उसका प्रयत्न किया नहीं, ऊपर सावधानी कभी दुनिया ने बारू ने बदली मांडी ने मन में पंडित हो गया। आए वो कहते हैं अरे कि जिसने ऐसा आत्मा का भान हुआ वो ऐसा विचार करते हैं, नव पदार्थ है ना भैया, नव पदार्थ की विचारणा करते हैं, हाँ हाँ हाँ
सतम गाथा है जो बीजी लिटिक नौ पदार्थ। हाँ, अपना शुद्ध परिणाम होने के कारण नौ पदार्थ की विचारणा करते हैं। सूक्ष्म बात है भगवान। कहते हैं नौ पदार्थ में जीव आत्मा पहले है, नौ में जीव पहला। तो जीव पदार्थ का विचार धर्मी ऐसे करते हैं, मैं शुद्ध चैतन आनंद कंद हूँ, सच्चिदानंद ये मैं चीज हूँ। सूक्ष्म बात है भगवान। आ तो कहीं से आगे पड़ी भी बात है, फोन करने पादर मापी रहे दरबार, दरबार में जमीन में आ गया क्या ना क्या ना। ओहो, ये देहली चीज से दिन जो नहीं देते सुनने पड़ जाते हैं ना, वो के भी है शांतिलाल खुशहाल गोवा वाला, बे अब 40 करोड़ पैसा उसके पास है अभी, बे अब इतने 2,40,000 बसें 40 लाख ना, बसें 40 करोड़ लाख नहीं भाई, आप तमारी गाय बहने 40 करोड़ शांतिलाल खुशहाल है। उसकी बहन का लड़के आई है, अपने ब्रह्मचारी है, 50 में उसकी बहन के लड़के ब्रह्मचारी है, दूसरी लड़के ब्रह्मचारी के भी होने वाली है। अपने 11 भगवान की प्रतिमा है ना प्रतिष्ठा, 11 लड़कियां बाल ब्रह्मचारी नहीं होने वाली है, 51 लड़कियां बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी। और चिंतन भाई की लड़की कौन बाल ब्रह्मचारी, एक आदम का है, 11 नया होता है, उसमें ही लड़की है उसकी बहन की लड़की है, उसका पिता है पूर्व भाई ना जाते हाँ पूर्व भाई शांतिलाल ना बनी हुई है, यहाँ शांतिलाल खुशहाल ना बनी हुई थी, तो उसके पास 2,40,00,000 दूर में ही काम ना मेरी जो हमारा अंतर मुख में उसकी स्त्री को जरिया क्यों कह रहा है तुम्हारा बाप हेमरेज सिंह हेमरेजा क्या है मुंबई लगा दो मछली क्या है ना, एक बार दौड़ भागे उठो मैंने दुखे से मन से दुखते हैं एम कही हूँ डॉक्टर बुलाओ, जब डॉक्टर आया चला देनी छुट्टी पूरी होने के काल में कोई डॉक्टर हूँ इंद्र उतरे तो फिर पाने सारा 2,40,00,000 घर ने गिरोह मुकते हैं 10 मिनट में खलास, જ્યાં આવે ત્યાં તો બે માં એ દેહ ની સ્થિતિ કાળે દેહ છૂટે જાય એ ક્યાં ઉસકી ચીજ હૈ, સમજ મેં આયા, જે છૂટ જાય ઉસકી ચીજ નહીં, નો છૂટે નહીં ઉસકી વો ચીજ હૈ, વો તો આનંદ ને જ્ઞાન સ્વભાવ કી ચીજ હૈ જો છૂટે નહીં કભી, આપને છૂટ જાતા હૈ શરીર પર, સમજ મેં આયા, ક્ષણ મેં પણ ખલાસ હો ગયા ખલાસ, અજે લઈ ગયા ધ્યાન આબરૂ મૂકી ને 40 લાખ નું તો મકાન છે, 2,50,000 ના બે મકાન 40,00,000 મકાન ધૂળ માં મકાન શું કરે, એ તો દોડ માટી ધૂળે લઈ ગયા એ માથે ફૂલ ને ઓલા નાખ્યા છે, આ જીવની ચીજ ને જાણ્યા વિના એસી ચીજ અનંત વાર મેળવી તો કઈ આત્મા તો લાભ હોવા, કહેતે મેં તો ચૈતન આનંદ નો નાથ, मेरे में अपने पाप का विकल्प उठते हैं वो भी मैं नहीं, वो तो आश्रम तत्व है, विकार तत्व है, बंध तत्व है, संयोगी भाव है, ऐसे धर्मी अपना आत्म तत्व का विचार ऐसे करते हैं, मैं जो आत्मा ध्रुव हूँ, मैं जो चीज जो पर्याय वर्तमान दशा ऐसा निर्णय करती है, मैं तो नित्य अविनाशी आत्मा हूँ, मैं कभी उत्पन्न हुआ नहीं, मेरा कभी नाश होता नहीं, ऐसा मैं अविनाशी आत्मा तत्व हूँ, आत्म राम अविनाशी आयो एकलो।
ये आचम राम अविनाशी ये आयो ये करो ये तो आयो कोई हरी बात नहीं है। अनंत दर्शन ज्ञान तारूं रूप जो भाई तारू रूप तो बेहद अंदर ज्ञान से दर्शन में आनंद ही तारा तेरा रूप है। अन्य भाव तेरे पर से नहीं इतने पाप ने शरीर मेरी चीज को छूते नहीं ऐसी मेरी चीज है। ऐसा धर्मी चीज जीव अपना आत्मा की ऐसी भावना करते हैं। नायक भर वीर गणाय जो ये तो विनायक तत्व तो भर वीर है। हाँ 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 पामर ने एक गिड़ी गिना हले नहीं बेस गिड़ियों बे पी गई जा रहे शू कह तुम्हारी यहाँ सीधा है चारे तो जंगल उतरे ने पाइखाना है ये बीड़ी पी गए हंगवा बैठो पीड़ी पी पा એને એમ કે ગયેલા પણ તારો આત્મા આનંદ નો નાથ હે આ ક્યાં તું અટકી ગયો છો તેને ખબર તેરી તેરી નહીં। ત્યાં કહેતે હૈ ધર્મી જીવ અપના આત્મા કા એસા વિચાર કરતે હૈ આ મેરા ધામ મેં તો આનંદ પડા હૈ ને મેં તો સ્વયં જ્યોતિ સુખ ધામ મેં તો સ્વયં ચૈતન્ય જ્યોતિ ચૈતન્ય પ્રકાશ કી મૂર્તિ મેં હું और मेरे में तो आनंद का धाम मैं आनंद का स्थान मैं हूँ। आनंद की उत्पत्ति हो तो ये स्थान मैं हूँ पर मैं कोई आनंद है ये पैसा में है नहीं मायरी दूसरी में है नहीं आबरू में है नहीं धूल में कहीं है नहीं आनंद तो सच्चिदानंद प्रभु मेरा आनंद मेरा पास है। मृगला को नाभि में कस्तूरी छता मृग को ती कस्तूरी कीमत है नहीं है नहीं फिर गुजरते आ जाती है मारे हो तो मैं हिंदी समझू नाभि में कस्तूरी होने पर भी मृग को कीमत है नहीं एम भगवान आत्मा का अंतर में आनंद ने शांति पड़ा है पर पामर को उसकी कीमत होती ऐसा आत्म तत्व विचार पहले करते हैं। दूसरा अजीव शरीर आदि अजीव है माटी है पैसा धूल है ऐसा धर्मी विचार करते हैं। सेठ हाँ बड़ा करोड़ कुछ बैठा दू चार करोड़ संक्री चार भाइयों से चार करोड़ दूर में दूर हो है એમ કે માણસો કે છે ને એમના મકાન માં ઉતરે છે ને કોણ કલકત્તા એમના મકાન માં ઉતરે રતનભાઈ તો આપવાના છે રતનલાલ જાવું આવે છોટા ભાઈ વાને બે ચાર ભાઈ આપણા વચ્છરા જે આપણે કેશુભાઈ નહીં ઉઠતા આપણા વચ્છરા જે મકાન બનાવે વચ્છરા શેઠ હા નહીં એમના લડકા હતા વચ્ચે શેઠ આપણે ધર્મા તો ઓળખે ને તમે તો વચ્છરા શેઠ આપણે અહીં રહેતા છે એ મકાન બને નહીં આ બંગલે બનાવી એ ઉસકા લડકા આ બધા લડકા आई तो कहते हैं कि क्रोध हो के अबुज हो ये धर्मी विचार करते हैं तो अजीब हो कर रहा है मेरी चीज होकर हट रहा समझ में आया सुने पैसा पैसा हो तो एक मर आ गए लू भाई तो छोटा मर गया बेचारा चार लड़का वसरा सेठ का अब बड़ा है उसे छोटा दूर मर गया मर गए नानी मर गए लो करोड़ रूपया था क्या करे माधुर यहाँ धर्मी ऐसा विचार करते हैं लक्ष्मी अजीव होकर रही है शरीर भी जड़ होकर रहा है और पुनः पाप का भाव जो अंदर है मलिन भाव होकर रहा है मेरी चीज नहीं
आ धर्म की विचारधारा का बात करते हैं, ये तो विकल्प की बात हो पर अंदर शुद्ध चैतन्य की दृष्टि पूर्वक अशुभ से बचने को ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते पुण्य पाप का विचार करते हैं। दया दान भक्ति व्रत पूजा का भाव हो ये पुण्य है, उससे संयोग मिलते हैं, आत्मा को लाभ उससे नहीं होता। समझ में आया? में तैनाती जहाँ लगी आत्मा तत्व चीन हो नहीं, जहाँ लगी साधना सारी पूजा ने भक्ति ने व्रत ने सपने दान ने दया दया मिंडा है दरबार। ये बात आई चलती है लो आत्मा आत्म धर्म की बात। तेरी आत्मा की चीन में आनंद पड़ा है ऐसी अनुभव हुई पीछे उसका पुण्य पाप का भाव बंधन का कारण है, ऐसा धर्मी विचार करते हैं। आता है पर है बंधन, यानी पुण्य ने पाप का भाव दो ही भाव बंध है। जेम्स स्फटिक मणि में, स्फटिक मणि में फूल लाल पीला हो तो लाल पीली क्या जाए दिखती है कि लाल पीली जाए स्फटिक मणि की नहीं अपनी चीज नहीं हो, ऐसे भगवान आत्मा चैतन स्फटिक मणि जैसा ऐसा भान हुआ हो विचार करते हैं कि मेरे में जो पुण्य पाप भाव है ये कर्म की झलक विकार है। समझ में आया? जन निर्मोलता रे स्फटिक जीव स्वभावे शिविर धर्म प्रकाशियो श्री जिन वीर धर्म प्रकाशियो प्रभव कषाय भाव रे पुण्य पाप ना विकल्प से रहित मेरी चीज ऐसा भगवान ने धर्म कहा है उसको। सूक्ष्म बात है भगवान यानी अपूर्व बात। स्वर्ग में भी अनंत बेर दी, राजा भी अनंत बार हुआ, अब्जोपति महिला ने अभिज अभिज नहीं पी सके दास ऐसा राजा अनंत बार हुआ है, अनादि का हुआ कहीं आत्मा नया हुआ है अनादि से है तो ऐसी संप्रदाय भी अनंत बेर मिली थी, उसमें क्या हुआ? रखड़ने का भाव ममता वही रखड़ी रखन रखन बढ़ गया। मैं तो मेरी चीज में जो पुण्य पाप का भाव दिखते हैं मलिनता का भाव है हम विचारते हैं यार। मैं तो निर्मला नंद हूँ चैतन्य स्फटिक, एक बार भाई स्फटिक रत्न देखा था यहाँ जामनगर, जामनगर में एक 6 लाख का टेलीविजन सिंचाए, टेलीविजन सिंचाए 6 लाख रुपया था। वो तो ये वक्त की वहां तो नेव नहीं साल में आया जा रहे एकाउन में फागुन में तीज आएगा साइन आ फागुन में तीज 40 वर्ष 39 तारीख पूरा होगा तो ये महीना में माथो में क्या था जाम ने तो क्या डॉक्टर बनने को डॉक्टर थे ना प्राणी डॉक्टर ने 30,000 पगार तेरी मासिक 30,000 हो तेरी कितना 39 तारीख का 40 वर्ष पहला तो इन कहीं स्फटिक हूँ तो हमारा स्वामी बाटा सांभव आया था बड़ा आया ना मोटा पंडित ने तो आता नहीं मोटा दीवान आया था मेहरबान जी पार्सी दीवान था पार्सी दीवानी कहते बहु मानस नीति भाव एने 1,000 में कई पगार है तो बात सुना दरबार 200 रुपया चढ़ाई दिया पगार दरबार पास भी मेहरबान जी पार्सी कहीं कहीं चढ़ाई 200 रुपया को नहीं चढ़ाया पगार ना उधार मेरा पगार 1,000 है 200 को नहीं चढ़ा दिया दरबार को नहीं चढ़ा दिया तुम करवा जाकर नहीं खो कोई वक्त राज में काम आ गए तो मुख में ऐसी बात है मैं नहीं करूंगा वो निकाल लो 200 रुपया तो नीति हो मानो कि सांभ आएगा था क्या आप फोन घर भाई साहब थे डॉक्टर पूछे डॉक्टर महाराज थोड़ा तो आओ मारो सोली बनते
એ તમારે હારે લાગુ પડ્યું છે. 100,00,000 ની કોલમ છે, કરોડ નો થાય, એમાં સુર નો તડકાવે બંધ છે. એ એને એની પાસે સ્ફટિક રતન હતો, આવડું નથી બતાવ્યું. એ સ્ફટિક ની જેમ નિર્મળતા હૈ એસે ભગવાન આત્મા નિર્મળ આનંદ પુન પાપ કા મેલ સે રહિત હૈ. પુન પાપ તો મેરે મે મેલ હૈ એસા ધર્મી વિચાર કરતે હૈ. મને ઉસકા ફળ મિલતે હૈ વો તો અજીબ હૈ. ઉનસે લક્ષ્મી મિલે, સ્ત્રી અનુકૂળ મિલે, લડકા અનુકૂળ હો, એ સબ તો ઉનકા ફળ તો ધર્મ ઉપર હૈ. મેરે મેં ઉસકે કોઈ સંબંધ હૈ? એમ ધર્મી અપના પુનતાપ કા ફળ કા ભી વિચાર કરતે હૈ. એસે નવ તત્વ સંબર કા વિચાર કરતે હૈ કે મેરે ધર્મ કૈસે હોતા હૈ. પુનતાપ કા રાગ સે ભિન્ન મેરી ચીજ કી મેં દ્રષ્ટિ કરતા હું ઓર ઉસમે લીન હોતા હું, ઇતના મેરે ધર્મ હૈ. હા સમજ મેં આયા? સુન બાત ભગવાન અપૂર્વ પૂર્વે અનંત કાળ મેં કભી નહીં કિયા હૈ. અનંત કાળ મેં કિયા હૈ, કિયા વારંવાર કરતે હૈ, વો દશા તો ઇન યે સંસાર મેં રખને કી હૈ. મેં આત્મા આપણે ભેદ જ્ઞાન કી ચલેગા? બહુત માણસ આવેગા નિવારે સમર અધિકાર ચલેગા સમર. यहाँ कहते हैं कि संवर नौ तत्व में सुंदर है. जीव अजीव शून्य पाप आश्रव ने बंद वो आ गया. अरे संवर आत्मा में पुण्य ने पाप का विकल्प से विकल्प का रुक जाना, जैसे वाहन में छिद्र में पानी आना रुक जाए. वाहन में छिद्र पड़ते हैं, पानी आता रुक जाए. ऐसे भगवान आत्मा में उन्होंने पाप का आश्रय विकल्प राग रुक जाए और आत्मा में शुद्धता प्रकट हो, उसका नाम समरण धर्म कहते हैं. ऐसे सुन की दृष्टि नव तत्व में ऐसा विचार करते हैं, निर्द्रा का विचार करते हैं. मेरी चीज में शुद्ध उपयोग में लगाता हूँ, शुभ शुभ से रही और शुद्ध पवित्र जो उपयोग है वही निद्रा है. ये शुद्धि की वृद्धि है. समझ में आया? संबर है ये शुद्धि है, यानी पीछे निद्रा होती है शुद्धि की वृद्धि है, और जब मोक्ष होता है तब शुद्धि की पूर्णता होती है. शुद्धि शुद्धि की वृद्धि शुद्धि की पूर्णता ये संबर निद्रा मोक्ष अतरंग तत्व है. अरे कभी अपनी चीज में क्या है न पर से क्या है ये तर्क की विचार किया नहीं. वो विचार करके छे अने मोक्ष आत्मा में पूर्ण शुद्धता पड़ी है कि पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाए, पूर्ण आनंद प्रकट हो जाए, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, उसका नाम मोक्ष. मोक्ष कोई बीजी चीज नहीं है. समझ में आया? मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाओ संक्षेप मा सकल मार्ग निग्रंथ. श्रीमद राजचंद्र जमने जाति समझ घना भवन होतु ज्ञानी मर मातुर भवन ज्ञान समझाई है. श्रीमद राजचंद्र भगवान यहाँ था बुझे गया जैसे गांधी जी ने समझाया जिला आता है. બે કલાક ગાંધીજી વાત કરી વિલાયતિયાજીને અને આની ઉંમર 22 વર્ષની છોકરી રાજચંદ જેસી વાત કરી હતી તો બે કલાક થાની પીધી. ઓહો અને ખ્રિસ્તીની અસર હતી થોડી ગાંધીજીને ખ્રિસ્તીની અસર થઈ ગઈ ખ્રિસ્ત ધર્મની છે. એમ આ મેં બે કલાક વાત કરી કે આમ હતું ને એસા ને ફેસા ને બધું છે. એમ બે કલાક વાત કરી દીધી. ઓહો હિન્દુસ્તાનને બી આવા આત્મા પીડા હે ખ્રિસ્તી નો જે ધર્મ ભાઈ આત્મામાં હિન્દુસ્તાન મેં આત્મા કા ધર્મ હિન્દુસ્તાન મેં હૈ. અહીંયા વિલાયત ફિલાયત પણ બધી ધોળી ચામડી ને પૈસા મોટા બંગલા અહીંયા ભૂરમાં હૈ નહીં. ઉતરી ગયા એ શ્રીમદ પોતે કહેતે હૈ. સમજાય છે કાંઈ?
शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजों कहिए केतजों कर विचार तो काम तेतरी वर्ष से छुट गया 3300 बहुत छोटी उम्र में तो उसने भी कहा कि आत्मा में मोक्ष होता है क्या चीज है कि मोक्ष शुद्धता आत्मा ने शुद्ध पूर्ण दिशा सोल कला खिल जाए चंद्रमा जन सोल कलाए पूनम ने दिन खिलते हैं ऐसे भगवान आत्मा अपनी अंतर शक्ति में से विकास करके पूर्ण दिशा प्रकट हो जाए शुद्ध उसका नाम मोक्ष ये अतीन्द्रिय आनंद की पूर्णता प्राप्त हो उसका नाम भगवान मोक्ष कहते हैं ये मोक्ष तत्व का विचार धर्मी ए प्रकार का करता है ये नव पदार्थ हुआ सप्त तत्व ये सप्त तत्व में वो पुण्य ने पाप आश्रम ने बंध में नाच देते हैं तो वो नव का सप्त होता है और 14 जीव समान है 14 गुण स्थान जी सुख बातें है पर्याप्त पर्याप्त इतनी बात है सुख समय 14 एक इंद्री बहिंद्री त्रण इंद्री चौंद्री जीव है ना उसकी पर्याप्त न पर्याप्त 14 देर है उसका विचार करे और 14 गुण स्थान का विचार करे जन निश्चरणी होती है ना सीढ़ी मेरी ऊपर जाने को ऐसे 14 पद्धतियां है अंदर धर्म की अधर्म की दशा का 14 भेद है ये 14 भेद का संगत दृष्टि विचार करते हैं पहले मिथ्यात्म में तो ऐसा है अज्ञानी पुण्य ने पाप को अपना मानते हैं मिथ्यात भाव को सेवते हैं मिथ्या नाम दूसरी दृष्टि शरीर मेरा पुण्य मेरा लक्ष्मी मेरी पुत्र पुत्र मेरा ये सब मान्यता मिथ्या भ्रम है तेरा हो तेरे से जुड़ा क्यों रहे अने जुड़ा रहे तेरी चीज कहां से आई शर्माचार्य जाए स्मान सुनो अत्यारे का कितनी हम मन करी ऋषि जी ने क्षण मां गुजरी गए विक्रिया हो रही धीरुभाई ना बाप धीरुभाई वो हमारा मर गया महीना पहला दो मिनट में कहीं हारे कहीं कोई आई तो नहीं तो कहीं जीत नहीं छोरी भाई यही ने कहीं पंडित जी रह गई थी मरता हूँ कहीं कहीं नो तू एकदम उठा साढ़े दस बजे कितना वाजे पौना तरह अढ़ी वाजे हमारा पाकला था महीना पहला धीरुभाई काले मां गुजरी गए तो उसने सोना नहीं बंगड़ी में गया करते हैं क्या मुंबई में सामने कि मैंने दुख है बाहर आएगा मकान में बाहर परमा जन ना मौसम आवान बहु भाव इसलिए ही बोली परमा जन की जय मैं नहीं आ सकता हूँ मैं नहीं आऊ हूँ नहीं आई सकती आज महीनों महीनों से नहीं ભાઈ ઉભી થી ત્યાં એવું ટક્ષ વખતે લો અહિયાં મરતા વખતે અહીંયા આવવાનો ભાવ ઘણો ઓ પરમાજમ કા મહોત્સવ થી જય મેં આવી નહી શકું ભાઈ માં હે અભી કહા દુર્ગા જી લડતા આવી 25 હાર હાર નો દર દેવાય ને કેવાય શું કહેવાય હાર હાર રવિ માં લોહી સુકાઈ ગયું બધા શ્વાસ લઈ ને શું થઈ સુકાઈ ભૂલ ખૂટી બોલ્યા છે આ સબ બંધ થઈ ગયા એમ કરવું જોઈએ દુર્દેવ જી છે એમ બોલ્યા અને ત્યાં મંદિર છે મલાડ માં મંદિર ના ત્યાં અધ્યક્ષ છે દર્શન કરવા નીકળી બહાર 10 મિનિટ જેટલા હશે નાની છોડી કે બહાર નહીં જવાનું કે જાઉં છું એમ કીધું જાઉં છું આ બંધ થઈ ગયું નાની છોડી નહીં જવાનું બહાર એમ બોલી અમારા હાથમાં છે બસ એટલું બોલી ચપ્પી આ ચોરી પછી દીધા સાંભળેલું કરું ને આત્મા અમર છે આત્મા અમર તો કરતો
आत्मा जन्मे नहीं ना आत्मा बने अविनाशी आत्मा चिदानंद प्रभु छू। हा 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 यही पीड़ा वक्त इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत पीड़ा कहता अपने हार नहीं रोज सुटाई जाए अथवा हाले नहीं अंदर हाँ एम ए तुमने एक आप अंदर आप दामोदर भाई मकान नहीं दामोदर भाई मकान नहीं नदी ने खास एक अपना रहता ना मुखला रहता मूल मूल भाई जाने गलबल कैसे खास त्रन त्रन माल क्या रहता छे बेरा मरी जती गए एम ऊंचा आया हमारा तो न्या रहे दरिया ने खावा पीवा ने मुको था न्या रहे घनी वार कहीं छो तुम एम ज एक लारिया घर ना मकान घर ना भाड़ा घना उपजे पैसा हम एक लारिया है खाऊ पीव लहर कर छोड़ी दीद समझाण कहीं धर्मी तो ऐसा विचार करते हैं कि क्षण भंगुर चीज नाश हो जाएगी मेरी चीज है कि मिथ्यात में तो ऐसा भाव नहीं आता मिथ्या दृष्टि को तो मेरा है मेरा है मेरा है। धर्मद चक्रवर्ती सखंड नो राजा अने 16,000 देव तो सेवा करे एनी एक स्त्री ना 1,000 देव सेवा करे मरता प्रेम मा प्रेम मा मिथ्या दृष्टि मूंड गुरुमती गुरुमती एम करता करता हाथ में नरक अत्यार हाथ में नरक नीचे नरक है हाथ हाथ पाताल है एम सात में नरक मा सर्वोत्कृष्ट पीड़ा सर्वोत्कृष्ट मोटी थी केतरी सागर थी आनंद भाव कर विपरीत मान्यता मिथ्या जीव पाप नहीं मिथ्या जीव कोई अधर्म नहीं ऐसा जीव समिति की विचार करते हैं ऐसा करते हैं बीजे गुण स्थान सूक्ष्म है तीजे सूक्ष्म समिति स्वप्न छ की चात्मा अनुशुद्ध स्वरूप उसके अनुभव होना उसकी दृष्टि करना और चौथम गुण स्थान है क्या से धर्म की शुरुआत होती है पीछे पंचम गुण स्थान थोड़ा शुद्धता वृद्धि होती है तो पंचम मुनि होता है तो शांति वृद्धि होती है आनंद में बहुत रहते हैं वो मुनि पढ़ा है वो छठा गुण स्थान साथ में अप्रम देखा होती है एम आठवें कर्तन बार तेरहवें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है चौदह में छिल्ली छिटी होकर सिद्ध होता है ऐसा चौदह गुण स्थान का विचार करते हैं अपने में ये शुभ विकल्प है अशुभ से बचने को शुद्ध का दृष्टि रखने से ऐसा भाव आते हैं उसको पुनः अशुभ से बचने का भाव कहने में आता है विशेष